खगड़िया जिला में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोते समय पति की हत्या कर दी। नफरत ऐसी थी कि पति के प्राइवेट पार्ट पर भी वार किए। इसके बाद दोनों ने मिलकर गला दबाकर बेरहमी से मार डाला। दोनों की शादी 6 महीने पहले हुई थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रेमी फरार है। मामला जिला के बेलदौर थाना क्षेत्र स्थित चौधली गांव के वार्ड नंबर 8 की है। परिवार के मुताबिक मोहम्मद अमरूल की शादी 6 महीने पहले सहजादी खातुम निवासी मरैया के साथ हुई थी। अमरूल की मां ने बताया, शादी के बाद सहजादी मायके चली गई। वह ससुराल नहीं आना चाहती थी। एक सप्ताह पूर्व ही मायके वालों के दबाव में ससुराल आई थी। उसका गांव के ही मोहम्मद अतलमस के साथ प्रेम संबंध था। वह मोबाइल पर उससे बातें करती थी। यह बात बेटे को पता चल गई थी। वह अवैध संबंधों के विरोध करने लगा। उसने बताया, सोमवार देर रात परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे। दोनों कमरे में सहजादी और अमरूल सो रहे थे। इसी दौरान उसकी पत्नी ने प्रेमी मोहम्मद अतलमस को बुलाया और दोनों ने सोते समय बेटे के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया। फिर दोनों ने गला दबाकर मार डाला। परिवार वाले सुबह उठे और अमरूल के कमरे में गए तो हत्या का मामला खुला। सहजादी घर में ही छिपी थी। बताया जाता है कि इस घटना को की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों की भीड़ मौके पर जुटी और घटना को लेकर आक्रोश जताते हुए कार्रवाई की मांग की। मौके पर पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया, साथ ही आक्रोशित लोगों को शांत कराया। बेलदौर थाना अध्यक्ष ने बताया कि युवक की हत्या हुई है। मामले में मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रेमी फरार है। मामला जिला के बेलदौर थाना क्षेत्र स्थित चौधली गांव के वार्ड नंबर 8 की है। परिवार के मुताबिक मोहम्मद अमरूल की शादी 6 महीने पहले सहजादी खातुम निवासी मरैया के साथ हुई थी। अमरूल की मां ने बताया, शादी के बाद सहजादी मायके चली गई। वह ससुराल नहीं आना चाहती थी। एक सप्ताह पूर्व ही मायके वालों के दबाव में ससुराल आई थी। उसका गांव के ही मोहम्मद अतलमस के साथ प्रेम संबंध था। वह मोबाइल पर उससे बातें करती थी। यह बात बेटे को पता चल गई थी। वह अवैध संबंधों के विरोध करने लगा। उसने बताया, सोमवार देर रात परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे। दोनों कमरे में सहजादी और अमरूल सो रहे थे। इसी दौरान उसकी पत्नी ने प्रेमी मोहम्मद अतलमस को बुलाया और दोनों ने सोते समय बेटे के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया। फिर दोनों ने गला दबाकर मार डाला।